पूरी पार्टी उसका पालन करती है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो भी निर्णय लेगा वो यूपी भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी। आपको कहा जाएगा तो आप तैयार रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो आदेश देता है उसको करता, मैं तो अध्यक्ष इस नाते अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा हूं। हमारे इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत झा जी, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। नोरे जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, जनवरी का आपका इंटरव्यू किया था। आपको भी झा साहब, आपको भी बहुत बधाई। लखनऊ में आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था 300 सीट जीतेंगे और बिल्कुल सच निकला, अब तो 300 सीट के ऊपर निकल गए। तो सवाल ये है, कहता रहा हूं कि अब की बार 300 पार, लोगों को विश्वास नहीं होता था हमारे नेतृत्व का, करिश्मा क्या है नहीं लोग जानते थे। माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास था तो जीत तो हमारी होनी थी। हमारे कार्यकर्ताओं का पसीना अगर गांव-गांव में बहा, बूथ में बहा है, तो जीत हमारी होनी थी। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का जिन्होंने मजाक उड़ाया, जिन्होंने गरीब का हक लूटा, उनकी पराजय होनी थी। 1991 में भयानक जनाधार मिला था भाजपा को राम जन्मभूमि के मूवमेंट पे, और उस समय जो है एक नया चेहरा उभरा था कल्याण सिंह जी का, ओबीसी लीडर थे बहुत ऊंचे कद के, आप भी ओबीसी लीडर माने जाते हैं, आप भी माने जाते हैं नंबर वन मतलब लीडर आज के यूपी में, उससे भी बड़ा जनाधार इस बार मिला 26 साल बाद। तो क्या अपने कंधों पर इस भार को आप लीजिएगा, और यदि आइएगा तो पहले फर्स्ट 100 डेज में, पहले 100 दिन में यूपी का चेहरा किस तरह बदलिएगा, यदि मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का? मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक लोक कल्याण संकल्प पत्र यूपी की जनता के सामने रखा गया था, उस संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा काम किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का रोड मैप है। और भारतीय जनता पार्टी यूपी से गुंडा राज को खत्म करेगी, कुशासन को खत्म करेगी, विकास के पथ पर राज्य को आगे ले जाने का संकल्प लिया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था, प्रदेश भी बढ़ सकता था, लेकिन अखिलेश जी किस मानसिकता से यूपी का विकास करने के मार्ग में बाधा डाल रहे थे, या तो शायद उनके द्वारा आप बताया जाएगा, जब तक चुनाव लड़ रहे थे तब तक नहीं बताए। विकास में रोड़ा अटकाने का काम अखिलेश जी ने लगातार किया, इसके कारण से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का जो लाभ यूपी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। केशव प्रसाद जी, चूंकि जिन इलाकों के आंकड़े हम देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि जो पिछड़ा इलाका है उसने भरपूर विश्वास आपको दिया है, जैसे बुंदेलखंड का इलाका हो, जो पूर्वांचल का इलाका है जो बहुत दिनों से छटपटा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास, इन इलाकों का विकास खासकर आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है, क्योंकि वहां पर बहुत जगहों पर तो बुनियादी ढांचों की भी कमी है। श्वेता जी, विकास का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी का है, और मध्य प्रदेश बगल में बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है और यूपी का बुंदेलखंड है, दोनों का अंतर कोई भी जाके देख सकता है। जब विकास करने वाले पार्टी की सरकार होती है तो विकास होता है, जब विकास के नाम पर लूटने वाली पार्टियां सत्ता में होती हैं तो विकास नहीं होता है। इसलिए यूपी का विकास तो बहुत तेजी के साथ होगा, व्यापक विकास होगा, और गरीब आदमी इस बात को मानता है कि उनके पहरेदार के रूप में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक के रूप में जो सेवा प्रदान की है, जो उनके हितों का ख्याल रखने का काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों के लिए सरकार की, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को गरीबों पर केंद्रित करने का काम किया है, उससे गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता आज पार्टी आपकी जीत का दिन है, सच्ची पार्टी है, आज आपकी जीत का दिन है। बहुत ज्यादा कठिनाई में आपको डालना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दो चीजों के बीच अगर आपसे पूछूं कि प्राथमिकता क्या रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या राम मंदिर बनाना या प्रदेश का विकास करना, क्या आप एक को चुन सकते हैं पहले जिस पर काम करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। श्रीराम जन्मभूमि का मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद मंदिर निर्माण भी होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। कोई ब्लूप्रिंट विकास का कोई है, कोई खाका तैयार कर रखा है आपने? निश्चित, आपने अगर हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र नहीं देखा है तो अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के विकास का व्यापक रोड मैप रखने का काम किया है जी। कैसे हम किसान के लिए, कैसे हम नौजवानों के लिए, कैसे हम माताओं बहनों के लिए, कैसे हम
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए कैसे हम अराजकता को अंत करने के लिए, कैसे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करेंगे, यह सब कुछ हमने उसमें देने का काम किया। जिस क्रम में आपने कहा है उससे मुझे लगता है कि वहां की जनता भी ध्यान से सुन रही होगी। कानून व्यवस्था भी बहुत बड़ी चीज है। अंजुमन जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं दो सवाल केशव जी पूछना चाहता हूँ आपसे। पहला सवाल है कि शायद आपने जीत की सूचना मिलने के बाद कहा था कि शाम तक या कल सुबह तक उत्तर प्रदेश में विधानमंडल दल के नेता का या नए मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, तो इसकी कोई समय सीमा है? क्या हमको कब तक नए मुख्यमंत्री का नाम पता चलेगा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अगर आपको ऐसा समाचार है तो गलत समाचार है। यह काम हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वो जब भी जो भी जैसे भी करना चाहेंगे वो करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस नाते केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसका पालन करवाना। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का आरोप लगाती रही है कि अखिलेश के कार्यकाल में जो विकास हुए थे, मुख्यमंत्री अखिलेश के कार्यकाल में, उनमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। क्या आप इस मंच से जीत के बाद आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन फैसलों की दोबारा जांच की जाएगी? हमने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जो दिया है उसमें 14 वर्ष सपा बसपा के शासनकाल के भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात कही है, और या किसी से छिपा नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अखिलेश सरकार में विकास कम, विज्ञापन ज्यादा हुआ है, लेकिन जो भी विकास हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होगी। दोषी कोई भी हो उसमें ना जाति देखी जाएगी, ना उनका पद देखा जाएगा, ना उनका परिवार देखा जाएगा। अपराध ही कार्रवाई का आधार होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी, आगे की चुनौतियां, आगे का रोड मैप सब आपने बता दिया, लेकिन आज का रोड मैप बता दीजिए। आपके चेहरे पर तो इतना रंग लग गया है कि मुझे लगता है कि अब गुंजाइश नहीं बची होली तक। नहीं, गुंजाइश बची है बहुत, अभी होली तो मनाना बाकी है। लेकिन आज ही उत्तर प्रदेश ने होली मनाई है। हाँ। केसरिया होली मनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द को उत्तर प्रदेश की जनता तुरंत उसको स्वीकार करती, उसको मानती है। आज इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश केसरियामय है, कमलमय है, मोदीमय है, भाजपामय है। लगभग कब तक हम समझे कि कोई जो बैठक होगी वो, और उसके बाद नाम का ऐलान हो सकता है मुख्यमंत्री के? ये तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के लोग बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष इस नाते मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जो आदेश देंगे उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्य करने का काम। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह साबरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बधाई देना चाहेंगे आप केशव प्रसाद मौर्य जी को? श्वेता जी मुझे जरा। जी बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य जी बधाई के पात्र हैं। जी, मैं उनको और उनकी पार्टी को बधाई देता हूं। जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत भाई साहब। जी आप जाना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत शुक्रिया कि इतने व्यस्त दिन में जहां पर आपको न सिर्फ बातचीत करनी है बल्कि आगे की रणनीति बनानी है और जश्न भी मनाना है, काफी जी उसमें से समय आपने दिया है, बहुत धन्यवाद। जी श्वेता जी। जी चरण सिंह साबरा जी, बहुत मैं कहूंगी कि ये बड़ी चीज है कि कम से कम आपने आगे आकर बधाई दी है, क्योंकि मायावती जी सामने आ रही हैं तो वो सिर्फ आरोप लगा रही हैं। ऐसे आरोप जीत वाले दिन सही लग रहे हैं आपको? जी नहीं, देखिए हमारे तो कांग्रेस नेतृत्व ने भी बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी को, और निश्चित रूप से ये लोगों का वर्डिक्ट है जिसको सबने मान्य करना चाहिए। जहां तक मायावती जी का सवाल है, मायावती जी ने जो आरोप लगाए हैं, मेरे ख्याल से उनके आरोपों का निश्चित रूप से जो इलेक्शन कमीशन है वो देखेगी, और हो सकता है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें उठी थी जब महानगर पालिका के चुनाव या जिला परिषद के चुनाव हुए तो कोई लोगों ने पीएलबी करी है, तो आगे चल करके कोई लोग पीएलबी करेंगे ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये लोकतंत्र है, इसमें अगर मायावती जी या किसी पार्टी के किसी, नहीं नहीं मैं कंप्लेन का पार्टी नहीं बन रहा हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी उस कंप्लेन की पार्टी नहीं बन रही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। और अगर लोकतंत्र है, इसमें किसी को शंका है तो उन्होंने ठीक माध्यम पर कंप्लेन करी है, उसकी तहकीकात होगी। सही बात है, अगर सबूत है तो जरूर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं, शिवपाल सिंह यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। दरअसल बहुत बड़ा सवाल था उनको लेकर भी, और जिस तरीके से पूरा ड्रामा हुआ था समाजवादी पार्टी के भीतर, अब वो कह रहे हैं कि हम हार की समीक्षा करेंगे, लखनऊ जा रहे हैं, वहां पर हार की समीक्षा होगी। लेकिन इससे पहले बिना नाम लिए उन्होंने आरोप जरूर लगा दिए हैं, मेरे जीत पर लोगों को बहुत बधाई उन्होंने कहा है। हालांकि उनकी सांसें अटकी रही होंगी, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही थी चुनाव के दौरान, चुनाव के ठीक बाद की
कोई साजिश भी हो सकती है मेरे खिलाफ, यानी कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे कि वो जीत ही जाएंगे। क्या कहा है उन्होंने बातचीत में, वो सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त शिवपाल सिंह यादव जी हैं। खुद की भारी जीत हुई है लेकिन पार्टी की हार हुई है, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस बड़ी हार को लेकर? देखिए, हमारी बड़ी जीत हुई है, जसवंत नगर से हमारी बड़ी जीत हुई है। हम जसवंत नगर क्षेत्र की जनता को बधाई दे रहे हैं और इसकी अब आगे समीक्षा करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर तो आपकी बहुत भारी जीत हुई है लेकिन पार्टी की इतनी भारी जीत आप किसको जिम्मे? चाचा बहुत दूर थे भतीजे से, इस वजह से क्या हुआ? समीक्षा करेंगे, अब समीक्षा हो जाएगी, जनता भी कर लेगी, हम लोग सभी पार्टी के लोग बहुत जल्दी समीक्षा करेंगे। जनता ने तो अपनी समीक्षा कर दी, क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव को इतनी दूर रखना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान था? चलिए अब ऐसे की समीक्षा हो जाएगी, अब ये तो सब लोग सोचेंगे, विचार करेंगे इस पर। लेकिन पूरी रैलियों के दौरान अखिलेश यादव ने पूरी रैलियां की, 222 रैली की और इतने बड़े लेवल में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, फिर भी पार्टी की ये दुर्गति, क्या शिवपाल यादव बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं किए, इस वजह से ऐसा हुआ? अब जनता ने जो जनाधार दिया है अब सब स्वीकार करेंगे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव चाणक्य की भूमिका में थे, अब पूछो लेकिन वो किस तरीके से अभी अब उन्हीं को लेकिन आप भी तो पूछे, अब हम समीक्षा, आप भी बड़ी पार्टी के बड़े नेता थे लेकिन आपको हटाया गया, अब सब समीक्षा कर लेंगे, अब जनता सब समीक्षा कर रही है, पार्टी के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, सबको पता है, महसूस सब कर लेंगे जब समीक्षा हो जाए। नेताजी से आपकी बातचीत हुई, आपने पूरी जानकारी दी उनको यहाँ के बारे में? नहीं, मेरी बातचीत हुई है, अब समीक्षा होगी, लखनऊ जाएंगे, बातचीत होगी, तब समीक्षा हो जाएगी। कार्यकर्ता बाहर नेताजी और आपके लेकर के नारे लगा रहे थे कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लेकर के कह रहे थे कि उन्होंने पूरा भीतरघात किया। चलिए, इसकी सबकी समीक्षा जनता भी कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब समीक्षा कर लेंगे और फिर हम सब लोग बैठ के समीक्षा। पार्टी क्या दोबारा से एकजुट होगी? बड़ा सुंदर सा शब्द है ये समीक्षा, हर बात पर उन्होंने यही कहा है कि समीक्षा होगी और इसके पीछे कहीं पर दर्द छुपा होता था, कहीं पर गुस्सा छुपा होता था, लेकिन समीक्षा जरूर होगी। एक समीक्षा की बात की है दिग्विजय सिंह ने भी। जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से यूपी उत्तराखंड में हार पर कहा है कि प्रदेश में युवा नेतृत्व को तरजीह देनी होगी। निशाना किस पर है वो अलग बात है, नसीहत ये राहुल गांधी को है, इतना समझ में आ रहा है कि प्रदेश के नेतृत्व की बात, प्रदेश में युवा नेतृत्व की बात, उसे तरजीह देने की, उसे इंपॉर्टेंस देने तो की बात। हमेशा से कहता आया हूं कि मोटे तौर पर हम लोगों को एक कांग्रेस को आज की परिस्थितियों में ढालने के लिए नया रास्ता चुनना चाहिए और नए रास्ता चुनने के लिए राहुल गांधी जी को विशेष तौर पर कुछ बुनियादी निर्णय लेने चाहिए, कैसे कांग्रेस को हम अपने सुधार के रास्ते पर ले जा सकें, कैसे हम लोग राज्यों में नई लीडरशिप खड़ी कर सकें, इसका हमें पूरा प्रयास होना। दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से एक ऐसी बहस को छेड़ा है जो बहस दरअसल कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में और बाकी हलकों में चलती रहती है। इस वक्त हमारे साथ स्मृति ईरानी जी जुड़ रही हैं। स्मृति जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस जीत के लिए। धन्यवाद जी। लेकिन सही मायने में श्वेता जी, जीत की बधाई आज हमारे कार्यकर्ताओं को, जीत का आभार जनता जनार्दन को, और जीत का सहरा अगर जाएगा या श्रेय जाएगा तो नरेंद्र भाई को और अमित भाई के संगठन कौशल को जाएगा। नहीं, ये थोड़ा सा असल में अविश्वसनीय इसीलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से 14 के चुनाव थे वहाँ पर मोदी लहर की बात होती है, इस बार कोई लहर कम से कम प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रही थी। अगर उस लहर की गैर मौजूदगी में 300 का आंकड़ा पार हुआ है तो ये एक व्यक्ति का योगदान है या किसी नारे का ऐसा योगदान है या किसी काम का योगदान है जो आपको लग रहा है ऐसी जीत हुई है? मुझे लगता है साल 2014 में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने संकेत दे दिया था कि विधानसभा में जीत किसकी होने वाली है। अब जनता जनार्दन भले ही न्यूज़ चैनल्स पे बाइट्स ना देती हो और घोषित करती हो कि किस पार्टी का मैंडेट पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में आएगा, लेकिन जनता जनार्दन ने निश्चित रूप से पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोट के माध्यम से कम निर्धारित एक निर्णय दे दिया है। और आज अगर आप उसका विश्लेषण करें तो दो तीन बातें आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। एक, कहीं ना कहीं सपा बसपा कांग्रेस की जो रणनीति रही है कि उनका एक डिसाइडेड वोट बैंक है और उनका इस बात का प्रयास
कि जी हमारे जो वोट बैंक है वो तो ठीक ही है, हम बाकी लोगों को भी प्रभावित करना चाहेंगे अपने भाषा की शैली से, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिथ टूटा है। क्योंकि जनता जनार्दन ने ये कहा है कि आप इस बात को मानकर ना चलें कि धर्म अथवा जाति के आधार पर हम एक सीमित वोट बैंक बन जाएंगे, हम चाहते हैं विकास के एक एक मुद्दे पर वोट किया जाए और उस विकास के मुद्दे पर वोट हो, और अगर अपेक्षा हो इम्प्लीमेंटेशन की, सपनों को साकार करने की, तो वो अपेक्षा हम सिर्फ भाजपा से कर सकते हैं। दूसरा मिथ जो टूटा है वो ये कि एक अखिलेश जी ने फैलाने का भ्रम प्रयास किया था कि यूपी को लड़कों का साथ पसंद है और नौजवानों की जो चॉइस है वो सिर्फ अखिलेश जी और राहुल जी रहेंगे, तो आज नौजवानों ने भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ही अपना वोट दिया है। वो नौजवान चाहे किसी भी बैकग्राउंड का रहा हो, उस नौजवान ने कहा है कि मैं अगर चाहता हूँ अच्छी शिक्षा तो ये संभव है सिर्फ भाजपा के राज में, अगर मैं चाहता हूँ रोजगार तो ये संभव है सिर्फ भाजपा के राज में। इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि धर्म, जाति, लिंग, इन सभी बंदिशों को तोड़कर लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। लेकिन इतने बड़े राज्य को देखते हुए, इतने विस्तृत राज्य को देखते हुए, आपको लगता है कि उम्मीदों का ये बोझ 5 साल में पूरा करना कितना मुश्किल हो सकता है? आप जिसे बोझ कहते हैं वो हमारे सौभाग्य है, ये जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है क्योंकि वो जानते हैं कि हम सेवा की दृष्टि से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मैं तो मात्र इतना ही कहना चाहूँगी कि ये मात्र जिम्मेदारी नहीं है, विश्वास है जनता का जिस पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि ये विश्वास प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक वोट के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत ही एक हम्बलिंग बात है। और समूचे उत्तर प्रदेश का हर इलाका कमोवेश एक आवाज़ में बोलता हुआ नजर आ रहा है। अमेठी से आप लोकसभा में चुनाव नहीं जीत पाई थी लेकिन बार बार वहाँ पर जाती रहीं, आपको लग रहा है कि असर इसका, इस तरह की चीज़ों का लोगों पर पड़ा है? देखिए, अमेठी में साल 2014 में प्रधानमंत्री जी की अंतिम लोकसभा का भाषण हुआ था, कैंपेन का, उस वक्त आपने जोर शोर से देखा होगा, इनफैक्ट अरुण पुरी जी तो उस वक्त अमेठी में ही थे, जनता कह रही थी अब की बार मोदी सरकार। तो शायद ये घोषणा सिर्फ लोकसभा के चुनाव की नहीं थी, विधानसभा के चुनाव की भी थी, और कहीं ना कहीं इस बात का शायद कांग्रेस को एहसास नहीं हुआ कि आक्रोश इतना तेज़ है जनता का कांग्रेस के खिलाफ कि वो अपने ही बेस्टियन में, अपने गढ़ में हार जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता जनार्दन ने अमेठी में भी कहा कि जहाँ पे 7 दशकों से कांग्रेस पार्टी और एक प्रमुख परिवार का वर्चस्व रहा है, वो वर्चस्व आज भंग इसलिए हुआ है क्योंकि जनता चाहती है कि अब विकास के मुद्दों पर काम हो, और अमेठी की जनता को भी अब सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास है, राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ कांग्रेस के साथ जाने का? नहीं, ये साइकिल पर तो ब्रेक हमेशा हाथी लगाता है। तो मुझे लगता है, लेकिन इतना कहना कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ ये भी थोड़ा गलत होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको ये भी समझना होगा कि पिछला चुनाव जो समाजवादी पार्टी जीती वो अखिलेश के नेतृत्व में नहीं जीती थी, अखिलेश को तो ताजपोशी की गई बाकायदा नेताजी के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ा गया अखिलेश के नेतृत्व में, और अखिलेश ने भी इस चुनाव में जिस प्रकार से रणनीति की कि जो भ्रष्ट है वो सिर्फ शिवपाल यादव है, मैं बिल्कुल दूध का धुला हूँ, उसको भी जनता ने स्वीकारा नहीं। अखिलेश जी का स्वयं अपने पास ही गृह मंत्रालय था और कानून व्यवस्था का बिगड़ता हुआ हाल उत्तर प्रदेश में जनता को ये बतला रहा था कि अखिलेश जी जिस डिपार्टमेंट के खुद कर्ता धरता हैं वही विफल हो रही है, तो इस व्यक्ति से हम अच्छे शासन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। लेकिन श्वेता जी, सही मायने में हार का सहरा क्या आप सिर्फ अखिलेश और राहुल के सर पर ही बांधेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कांग्रेस के दिल्ली के नेतृत्व ने ये भी घोषणा की कि रणनीति में प्रियंका जी का भी हाथ है, तो इसका मतलब चाहे सुपुत्री हो या सुपुत्र हो, दोनों ही उत्तर प्रदेश की जनता को सही रूप से भाप नहीं पाए। हमारे साथ स्टूडियो में इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार हैं अंशुमन जी, एक सवाल पूछना चाहते हैं फिर अजीत जी। अंशुमन जी, जी अजीत जी, चलिए। बहुत बहुत बधाई हो, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये तो ऐतिहासिक एक तरह से जनाधार मिला है भाजपा को, आज तक इतिहास में ऐसा जनाधार किसी को नहीं मिला, तो अब सिर्फ खोज है तो एक परिपक्व नेता का, चीफ मिनिस्टीरियल फेस कोई नहीं है यूपी में, और कहते हैं काफ़ी लोगों से मैं हम लोग बात किए, घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में और अक्सर बार बार सुने, वीमेन वोटर कह रही थी कि सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टीरियल फेस उत्तर प्रदेश के लिए स्मृति ईरानी, तो आप यदि खुदा ना खास्ता मुख्यमंत्री बन गई तो क्या मुद्दा रहेगा आपको, कैसे आप उत्तर प्रदेश का चेहरा को बदलेंगी? पूर्वांचल में जो इतनी गरीबी है, बुंदेलखंड में इतनी गरीबी है, 70 साल जवाब ले लेते हैं, इसको कैसे बदलेंगे?
आप एक परिपक्व पत्रकार और विशेषज्ञ हैं, आप भी भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की घोषणा हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते और जो अमेठी में काम कर चुकी हूँ उसके नाते मात्र इतना ही कहती हूँ कि भाजपा की जो प्राथमिकता है आप उसको खंडों में बांट नहीं सकते। जब हम बात करते हैं सुशासन की तो हमारे लिए बिजली, सड़क, पानी के साथ साथ अच्छी शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार के साधन, किसानों का एक प्रकार से उनके आय में वृद्धि होना, ये सारे विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक खंड पे काम होगा, दूसरे पे नहीं होगा। जी स्मृति जी, हम साथ साथ में दरअसल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एक भीड़ के हुजूम के बीच आगे बढ़ रहे हैं और जो होली के गाने हैं वो पीछे पीछे सुनाई दे रहे हैं हमें। सुरक्षा के बीच अमित शाह आगे बढ़ते हुए, उन्हें आर्किटेक्ट कहा गया था जब उत्तर प्रदेश में उतनी भारी जीत हासिल की थी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने, और आज जो ये तस्वीरें हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि 308 सीटें आप सामने देख रहे हैं 403 में से, कुल मिलाकर 100 भी नहीं बाकी सब जोड़ पा रहे हैं बीजेपी के सामने खड़े रहने के लिए, और इसीलिए आज ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं जहाँ पर हम अमित शाह को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। स्मृति जी, बहुत बार ये बहुत बार आरोप लगाए जाते हैं कि बाहर से लोग आ जाते हैं, बाहर का लड़का, गोद लिया लड़का, बहुत चीजें बोली जाती हैं, लेकिन अगर बाहर से आके, अगर वाकई हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य के लोग बाहरी होने लगे, वहां से आके भी यूपी को इतने बढ़िया से समझ लेना बहुत बड़ा श्रेय है। मुझे लगता है श्वेता जी ये एक बहुत ही इमेच्योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, वो शायद चाहते थे कि कोई ना कोई कटाक्ष सोनिया जी के और उनके ओरिजिन के बारे में हो ताकि फिर वो उस विषय पर चुनाव को ले जाएं। निश्चित रूप से हमने विकास के मुद्दों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा, लेकिन चूँकि अमित भाई गुजरात से हैं, जिस प्रकार से अखिलेश जी ने कहा, गधा शब्द का प्रयोग किया, जैसे ही अखिलेश जी के मुख से वो वाक्य निकला और राहुल गांधी का उसका ना निंदा करना, मैंने अपने कार्यकर्ता से कहा कि आप ये भी लिख लीजिए कि कांग्रेस की गुजरात की बिहार आज ही निश्चित कर लीजिए आप, जैसे कि गुजराती में कहते हैं आज अमित भाई या सुपड़ू साफ करी ना क्यूज। जी अंजुमन जी, स्मृति जी एक सवाल है मेरा, हालांकि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, राज्यों के चुनाव पर प्रतीकात्मक रूप से ये चुनाव उत्तर पूर्व और पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक मध्यावधि चुनाव जैसा दिख रहा था, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव ढाई साल या तीन साल बाद मोदी सरकार के अपने कामकाज के ऊपर भी एक वर्डिक्ट है, इसे आप मिड टर्म वर्डिक्ट मानेंगे अगर हम इसे दिल्ली में बैठकर देखें? देखिए अंशुमन जी, नरेंद्र भाई का करिश्मा ऐसा है कि 2014 की जीत अब तक कई लोग हजम नहीं कर पाए हैं, उसके बाद चाहे वो स्थानीय निकाय का भी चुनाव हो वो उसको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का रेफरेंडम घोषित कर देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अमित भाई से एक प्रश्न किया गया था कि क्या ये डीमोनेटाइजेशन पर रेफरेंडम है, और अमित भाई ने डंके की चोट पर कहा था हाँ मैं स्वीकार कर लूँगा। अगर आप उस दृष्टि से इसको आंकना चाहें तो हाँ, ये एक ऐतिहासिक जीत है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, जो स्वतंत्र भारत में आज तक किसी ने नहीं देखी उत्तर प्रदेश में। लेकिन रेफरेंडम का जिक्र आपने किया तो आपको बोल देंगे एमसीडी चुनाव में भी उन्हीं के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, ये इन इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उधर दिल्ली की तस्वीरें, हम मनोज तिवारी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रंग जमा रहे हैं, होली खेल रहे हैं सब। स्मृति जी, जिस तरीके से नोटबंदी का जिक्र आपने किया है और अमित शाह की बात का जिक्र किया है, हम बहुत सारे लोग, जिन जिन लोगों से बातचीत होती थी उसमें जो बुद्धिजीवियों का तबका था वो कहता था नोटबंदी से असर हुआ है और वो सबसे निचले तबके को असर हुआ है जो लाइन में सबसे पीछे कतार में खड़ा रहा है, लेकिन कतार का सबसे पीछे का वही व्यक्ति आकर अगर वोट के लिए बटन दबा दे रहा है तो फिर ये बुद्धिजीवियों के आकलन और एक आम आदमी के जीवन के बीच कहां संतुलन बैठ रहा है? देखिए, वही बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने कहा था कि एक चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये वही बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने कहा था कि ये गुजरात से बाहर नरेंद्र मोदी कभी आ नहीं सकते, ये वही बुद्धिजीवी है जिन्होंने कहा था ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे नरेंद्र मोदी, ये वही बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि बुद्धिजीवी जब जब उनके मुख से कोई शब्द प्रस्फुटित होते हैं तो वो हमारे लिए तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद बनकर
आके बरसते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो व्यक्ति डिमोनेटाइजेशन से प्रभावित है, आपने किसी भी इंटरव्यू को अगर देखा होगा उसमें साधारण नागरिक ये कह रहा है कि एक अच्छी मंशा से राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने की दृष्टि से, आर्थिक रूप से हिंदुस्तान को सशक्त करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमारी इकोनॉमी में, उस दृष्टि से नरेंद्र भाई ने इस कदम को उठाया और पूर्ण रूप से नरेंद्र भाई का वो समर्थन करते हैं। और विशेष रूप से ये भी कि पहले दिन से ही नरेंद्र भाई ने जनता जनार्दन को कॉन्फिडेंस में लिया, सपने नहीं दिखाए, कहा कि कुछ कुछ पथ और कुछ कुछ कदम मुश्किल होंगे लेकिन हमको एक राष्ट्र के नाते साथ रहना है और हर कठिनाई का सामना साथ में करना है। और मुझे लगता है वो भावना जिससे नरेंद्र भाई ने अपने आप को जनता से जोड़ा, उसका परिणाम स्वरूप आज आप उत्तर प्रदेश में उसी जनता का आशीर्वाद देख रहे हैं। अच्छा स्मृति जी, हमारे जो सिफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एकदम सटीक पूर्वानुमान दिया था पांचों राज्यों का, वो भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी स्मृति जी, प्रदीप गुप्ता बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए। धन्यवाद। एक बात बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी हमने इंडिया टुडे के साथ और आज तक के साथ सर्वे किया था यूपी को ही लेके और इन्हीं पांच राज्यों को लेके, उसमें नोटबंदी के भी सवाल पूछे गए थे जिसमें 72% जनता ने कहा था वो इससे खुश हैं, वो एक बात है। दूसरी बात बस मैं एक छोटी सी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो विकास का मॉडल है वो पंजाब में और गोवा में, जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी गोवा में और अलायंस में पंजाब में, नतीजे ये बता रहे हैं कि वो नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पर। मुझे लगता है कि आप गोवा के बारे में कॉल आउट अभी तक ना करें तो बेहतर। जहाँ तक कि पंजाब में गठबंधन की सरकार का विषय है, निश्चित रूप से मेरे संगठन में जो परिणाम है उसकी समीक्षा होगी, लेकिन एक बात का आश्वासन आपको मैं आज एक कार्यकर्ता के नाते दे सकती हूँ कि आज ही से एक बार फिर संगठन को सशक्त करने का हमारा प्रयास शुरू है। हार जीत जो आप पंजाब में समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं उसे मैं आपके प्रयास को इनकार नहीं करूँगी, मैं इतना ही स्वीकार करूँगी कि पंजाब की जनता ने जो मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया है उसको भी हम जिम्मेदारी से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और संगठन को सशक्त करके अगले विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से प्रदीप जी आपको पंजाब की भी जीत की मिठाई खिलाएंगे। और मणिपुर एक बहुत सुंदर तस्वीर पेश कर रहा है स्मृति जी, क्योंकि दरअसल क्या होता था, राष्ट्रीय पार्टियां उसको रुख ही नहीं करती थी और वहां पर जो मुकाबला रहता था उस पर ध्यान नहीं जाता था। अभी देखिए मणिपुर के नतीजे जब हम दिखा रहे हैं तो उसमें एक नई कहानी सी दिख रही है। बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही भाषणों में, पहले वर्ष के भाषणों में बार बार ये आग्रह किया कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। बार बार उन्होंने प्रयास किया कि चाहे वो रेल मार्ग हो या फिर रोड हो, उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और सशक्त करें, मैन्युफैक्चरिंग की वहाँ संभावनाएँ बढ़ाएँ, शिक्षा को और सुदृढ़ करें, रोजगार के अवसर प्रदान करें, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से व्यवस्थाओं को ठीक करवाएँ, अपना सहयोग दें। प्रधानमंत्री जी का विशेष निवेदन ये रहता है कि कैबिनेट के भी जितने मंत्री हैं वो भी नीतिगत विषयों को लेकर बार बार स्वयं नॉर्थ ईस्ट जाएं। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी नागरिक दरवाज़ा खटखटाते हुए दिल्ली के केंद्र की गलियारों में ना आए, ये जो भावना है प्रधानमंत्री जी की वो परिवर्तित हो रही है परिणामों में नॉर्थ ईस्ट में भी। एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो विरोधी दल हैं उनके ध्रुवीकरण का आरोप रेपिटेटिव और अप्रासंगिक हो गया? मुझे लगता है ध्रुवीकरण का आरोप जो मढ़ रहे हैं उनकी अपनी राजनीतिक साख कितनी है पहले उसकी भी तुलना करनी पड़ेगी। अगर किसी विषय को माउंट करते हैं स्वयं राहुल गांधी तो उनकी अपनी विश्वसनीयता लोगों में कितनी है वो भी एक चिंतन का विषय है। तो जब नेता जो बोल रहा है उसी पर जनता को विश्वास नहीं है तो जिस मुद्दे पर बोल रहा है वो जनता तक पहुँचेगा कैसे? हमारे लिए तो एक सुखद संयोग है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन का नेतृत्व समन्वय के माध्यम से अच्छा काम कर रहा है। हमारे लिए ये भी एक सुखद संयोग कि हमारे संगठन में मेरिट के आधार पर व्यक्ति एक पायदान से दूसरे पायदान को चढ़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व को अगर आज आप समीक्षा करें तो उस नेतृत्व को अपनी नेतृत्व को परिभाषित करना या अलंकृत करने का मौका मिलता कहाँ है? आप एक परिवार में मात्र जन्म ले लीजिए आपका नेतृत्व निश्चित हो जाता है। तो एक परिवार बदलते हुए परिवेश में, एक बदलते हुए हिंदुस्तान में जहाँ हर व्यक्ति चाहता है कि आप मुद्दों के आधार पर अपने लोहे को अथवा अपनी क्षमता को प्रदर्शित करें, उसमें कांग्रेस फेल जाती है। इसीलिए निश्चित रूप से जिन मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जनता को उस पर विश्वास नहीं होता। जी हमारे साथ उमा भारती जी भी जुड़ चुकी हैं। उमा भारती जी आपको बधाई हो और इसीलिए भी बधाई हो क्योंकि जहां से गंगा जी शुरू होती हैं, जहां से उनका उद्गम स्थान है और जहां जिस